महीने भी कोनी पांच महीने भी कोनी होई दोस्तों पहले ब्याह हो गया। फिर मैं बोली मको गाड़ी होनी चाहिए माडी जार मन मन मगर तक कह के चालिया करूं गाड़ी भी ले ली। मेरा आदमी दारू पिया करदा 32 साल तक दारू भी छोड़ दी। चांद पता डाक मार गया पांच टूट गया माँ के लिए आई डॉक्टर का कौन देगी। माँ ने झाड़ा दो बार लाया घोड़ा बरगा रहा है कदे जिंदगी में कौन कमाए वो लाग रहा है कैंट में भीतर मुनीम दारू पिया करता। हाँ दारू पिया करता जी छोड़ दी भाभी वहाँ भी छोड़ दी जी। क्या बात है दारू भी छोड़ दी क्या भी मारने लग गया घर भी सुख शांति वो लेने तैर पाई चलने लग गया काम तो पाई चल पड़ा। हाँ कितनी साल का वो पाँच साल का था पाँच साल का पैदल पाई नहीं चला था पाई चल पाई चलने लग गया। हाँ उसे बचपन से पूजा बचपन से जी महाकाली की। हाँ जी उन्होंने अच्छा। आते मुझे बता दिया था कि आप तो बचपन से पूजा करते हो मेरी और मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ। सच बताओ या बात सच्ची बताई दी थी बिल्कुल। अच्छा आती, आती बिना आपने तो नहीं बता दी थी। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा बेटा भी आया था साथ में उसको भी। और मेरा बेटा ना रास्ते में मुझसे गाड़ी वाले को लेके लड़ रहा था वो भी माँ ने बता दी थी कि इसके साथ क्यों लड़ता आया पूरे रास्ते भाई। तो हमने तो उनसे कुछ बताया ही नहीं था। अच्छा तो मेरा बेटा भी चौंक गया कि भाई हमने तो बताया भी नहीं है और माँ ने हमें ये कह दिया भी तू इससे लड़ा क्यों रस्ते में पूरे रस्ते लड़ता हुआ आया। अब अचंभा तो होता ही है ना देखो कोई एकदम है ना। हाँ बिल्कुल दिल की बात जान लेती है माँ। अच्छा। तो सारी सच्ची बताई थी। अच्छा हाँ जी तो एक बात तो रुपये रुपये कितने के लिए। नहीं जी कुछ नहीं लेती मैं थोड़े नहीं जी माँ नहीं लेती कुछ भी नहीं जी नहीं जी कुछ भी नहीं लेती माँ तो। अच्छा देवी का रूप लुगाई है सखी कदर करे सा कोई कोई यो गीत गाओ है ताई। वास्तव में देवी का स्वरूप होती है स्त्री लेकिन सभी स्त्री भी नहीं होती बुरा मना मानियो। कई द्रौपदी का रूप भी होती द्रौपदी भी औरत थी महाभारत करवा दी। तो औरत के रूप अनेक होते हैं देवी का रूप होता है पूजनी होती है घर में लक्ष्मी होती है सब कुछ होती है माँ होती है बहन होती है बेटी होती है पत्नी होती है दादी हो नानी हो हर चीज़ घर को संभालने वाली औरत होती है। लेकिन इस घर का बंटा धार करने वाली भी औरत हो एक मिनट में बसे बसाए घर का सत्यानाश कर दे औरत कर देने ताई कर देने कर दे। तो सच्चाई है इस चीज में कि औरत देवी का स्वरूप है। उसी देवी के मंदिर में खड़े हम महाकाली महामाया धाम मुंडाड़ में और लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। कई दिन में आया हूँ आज मैं मुंडाड़ धाम में काफ़ी दिन हो गए मैं बाहर गया हुआ था तो आपके लिए नई नई वीडियो लेने के लिए राजस्थान में जयपुर अजमेर और भीलवाड़ा बहुत बड़े बड़े आश्रमों में गया था मैं तो यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए। दिखाएं एक बार दर्शक भाई भगतणी बैठी हैं भगत बैठे हैं काफ़ी श्रद्धालु आप यहाँ पर आए हुए हैं। इन सारे तो बात कराऊंगा कि मुंडाड़ धाम महामाया धाम में लोग कहते हैं कि वो शक्तियाँ हैं वो ताकत है कि यहाँ पर बांझ को पुत्र मिलता है निर्धन को धन मिलता है बीमार को स्वास्थ्य मिलता है हर वो संकट दूर हो जाता है महामाया के चरणों माने। ये सही है कि महामाया महाकाली के चरणों में जाने से बिल्कुल संकट कटते हैं लेकिन श्रद्धा और नीयत सच्ची होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं मन में तो किसी भी धाम पे मत जाओ। श्रद्धा है तो अपने सबसे पहले घर के पितर बुजुर्गों को पूजिए और किसी भी धाम में जाते हो तो पूरी श्रद्धा और आस्था से अपने आप को पूर्ण समर्पित करके जाइए कि मालिक मैं तेरा तू मेरा। तो सबसे पहले तो उरताई बैठी गीत गानदारी है क्यों रज्जी हो रही है पहले दिस तो पूछेंगे। राम राम ताई राम राम भाई काटता है गठा क्यों मार रही के बाद बांस आओ मारे मत ना भाई दांत टूटे गीत गाऊं ना वाली कट जा दांत के दांत कट जा दांत कट जा तो भाई। अच्छा हां अरे उठा मारे बाबा को लिकड़ा है हां जल्दी जासे गुट जासे। अच्छा के नाम ताई तेरा लक्ष्मी के कौन सा काम है पलादगढ़ भी वाणी तोरे। हां अच्छा अच्छा तोरे कितने दिन हो गए आंदी। मैं तो दूसरी बार आई हूं भाई दूसरी बार आई है गीत तो इस तरह गाओ जन कई साल हो गए आंदी पलादगढ़ में के गांव को नहीं है सारे गांव की बस तो फिर। अच्छा बोल ताई आप कहां से हैं भाई। सारी पलादगढ़ तो है सारी ट्रक पर किया रहे। अच्छा
भाई सारी बूढ़ी बूढ़ी से बुढ़ापा पिलसन आड़ खर्च करके जाएंगे आज। आप भी पलादगढ़ दो हो? पलादगढ़ की कड़क कितने कितनी दूरता है? आठ आई हो भाई? पहली बार आई है तू भी? ना तीसरी बार आ गई बेटा। ऐ नल्याण वाली कौन सा है जो चार पांच बार आई हो? बताई तू ले आई किन्ने? आओ ले मान ले भाई, हम तो सारी शक्ति इकट्ठी सा। तीसरी बार आई? तीसरी बार आई। आपको फर्क पड़ेगा कि मैं क्या है? हाँ फर्क पड़े। सच्ची में तो ये झूठ नहीं बोल रही? ना झूठ नहीं बोला भाई, बोलने अच्छा को लगा मैंने। क्या नाम तेरा? मेरा लक्ष्मी नाम। लक्ष्मी रुपया के तो ठाट होएंगे रीता रे। अच्छा लक्ष्मी हो के तो मारते क्या? हां हां के तकलीफ थी ताई? सच्ची बता, मेरे तो भाई लीवर में दिक्कत से। लीवर में? पक्का मेरा है लीवर में? डॉक्टर ने बताई थी क्या बात? डॉक्टर ने बता रखे पूरा आंत की में अजमाज में ठीक होया है थोड़ा बहुत 19-20 दिखा स्किन फर्क भूख भाख लगने लगी की। हां झूठ कौन है? सच्ची बात। आप जी का? पहली बार आई। आप? मैं तो कई बार आ ली। दूसरी बार? ना कई बार आ ली। कई बार आ ली? अच्छा क्यों भाई, के कारण है? चेलाली बहनी। चेलाली बहनी? हां जी। यकड़े शीशे मैम दो। अच्छा उड़े गुरु वाली बहनी भी होगी? हां गुरु गिर चल लगी बहनी। हां तो आप यहां माता जी के दरबार में कब से आ रहे? 5-6 बार आ ली। की तकलीफ? लड़की ने ले आ करो। अच्छा वो लड़की? हाँ। तो कितना फर्क है उस लड़की का? कड़क वाला लड़की टाइम दे रखा है उसका। अच्छा, आज ले आई नहीं? हाँ ले आना रही है। अच्छा टाइम तो दे रखा? फर्क पड़ा है कि थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत। सह कितना टाइम दे रखे? 6 महीने। कई महीने हो गए? दूसरा महीना। कह दिया तो भाई मेरे ख्याल तो हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार माता ने कह देना ये काम हो जाएगा तो वो हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा बात। आप कहाँ से जी? हिसार से। हिसार से? आप पहली बार आए? हाँ। और भाई आप कहाँ से हैं? कैंट से। हाँ जी कैंट से। कैंट? कैंट हिसार। हिसार कैंट से? हाँ। अच्छा आप तो नंदलाला ले रही हैं? हाँ जी। अच्छा 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 तो कहाँ कितनी बार आ चुके हैं? आज आए नहीं लेकिन बच्चा इन बच्चा ले गए माता का दरबार दिखाने ले। आप जी कहाँ से? कैंट पर से। आज आए हो पहली बार? कई साल हो गए। कई साल हो गए के बात थी, क्यों आई थी घर से कह के भाई मेरे बेटे का रिश्ता होना चाहिए। अच्छा। 27 साल का हो गया। माँ आई तो माँ ने कह दी मेरा वादा करूंगी, 5 महीने में ब्याह कर दिया। 5 महीने में माँ ने ब्याह करवा दिया, लड़के का ब्याह हो गया। फिर मैं बोली माँ मेरी दुकान के 45 लाख दे, मन मन में घर तक कह के उराई 54 लाख की मेरी दुकान बिक गई, मैं 100 रुपये चढ़ा के गई थी। अच्छा 45 लाख की दुकान भाई 45 लाख की बिक जा, 54 लाख की बिक गई और 100 रुपये चढ़ाएगी? इतने क्या चढ़ाई का सर मध्यूंगी मैं, तमन्ना था जो बोल। अच्छा। वो दिया फिर मैंने तमन्ना। अच्छा छोरा का रिश्ता को नहीं होता? 27 साल का हो गया था। अर्जी लगाई यार माने के गया हो जगह? पहली बार आई माना हाँ भर ली, 4 साल हो गए मेरा सारा काम हुआ है। छोरा का ब्याह हो गया? हाँ। कितने दिन बच्चा हो गया था? 5 महीने भी कोनी। 5 महीने भी कोनी हुए थे उससे पहले ब्याह हो गया? फिर मैं बोली मकान गाड़ी होनी चाहिए माडी जा रहे, मन मन में घर तक कह के चल लिया करूँ, गाड़ी भी ले ली। मेरा आदमी दारू पिया करता 32 साल था, दारू भी छोड़ दी, चांद पत्र डाक मार गया, पांच टूट गया, माँ के लिए आई डॉक्टर का कौन देगी, माँ ने झाड़ा दो बार लाया घोड़ा भर गा रहा है, कदे जिंदगी में कौन कमाया भी वो लाग रहा है कैंट में भीतर मुनीम, तेरा सारा काम पूरा होता जा भाई, तेरे तो ठाठ कर दिए, डिजायर गाड़ी मांगी डिजायर गाड़ी मिल गई। मिल गई धनी का पांच टूटा कड़े ठीक को नहीं आया आड़ान तो घोड़ा भर गा हो गया, मले कौन गई डॉक्टर, जिंदगी में कमाया कौन करता, आड़ान तो कमाण लग गया, कमाण लग गया भीतर ला रहा कैंट में मुनीम लाग रहा है। अच्छा मुनीम लग गया? हाँ छोटा छोरा ना अपनी पसंद का ब्याह करे, माँ ने कही मानू ली शादी करेगा, छोटा ने ब्याह कर रखा दिल्ली लाग रहे दोनों जने सर्विस कर, माता ने कही शादी करेगा आप पे और आप पे कर ली कर ली यो काम और बढ़िया चोनी को लगी। हाँ हाँ तेरे तो माता बचते बचत करने लगी खूब कर सब की सुनो, और मैं तो आऊँ हूँ माँ का महीना में। अच्छा? 2 महीना मान दी रूम में कौन छोड़ दू भाई, ये बात सच्ची है सारी जमा? सच्ची है, मंदिर में कितने भी नेम ले लो मेरे पे जमा सच्ची, मेरी तो पूरी हुई। तो भाई देख लो आप दर्शकों ये सच्चाई, खास करके जहाँ मंदिर होते धाम होते हैं वहाँ पर झूठ नहीं बोलते लोग, और न एक बोलना चाहिए। इस बहन जी के जितने भी काम जो भी मांगे वह चीज मिली माता के दरबार, कह के चालू हूँ ये काम पूरा हो जाए मेरा घर तक है, चला आ रहा की तो कंधी भी कोनी करते है मैं बोलूँ को नहीं, मैं आपका कह के प्रसाद दे के नू कही तेरा काम मेरा वादा पूरा करूंगी जा। 4 साल है भाई कमाल है, नाम क्या आपका? निर्मला देवी। निर्मला है ये सच्ची श्रद्धा है, ये से कहते हैं सच्ची श्रद्धा। मैं एक लिए आई हूँ 7 बज रहे थे मुख माँ बस को नहीं मिली, अड्डा पकड़ी खड़ी करूँ बस इसी दे दी इस आरजा के छोड़ी।
एक ली गई हूँ मतलब गाई। आपकी तो माता रानी, इतना आशीर्वाद आपके ऊपर, जो भी मांगती मुँह से निकालती वो चीज मिल जाए। घर सका के चाल वहाँ पूरी हो जाए मेरी। तो मेरे दर्शकन बताओ या चीज थोड़ा सा इधर होके बनाई जात से मानो कोई ना मानो ना, लेकिन आपने कैसे करा के आस्था रखती हो आप, किस प्रकार की पूजा करती हो माता रानी? मैं सच्ची आत्मा से सवेरे 4 बजे उठ के ला जा लगन, जाना है जाना है जाना है। बताओ कहाँ से? मदनेड़ी से। मदनेड़ी, तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? तीसरा दिन होया जी। तीसरा दिन है जी। तीसरा बार है। क्या तकलीफ? घर में थी जी। आए होगी शांति? हाँ, बिल्कुल ठीक होगी। हाँ ठीक है जी। कितने साल तक थी तकलीफ? घने दिन तक थी जी। अच्छा, ती दो बार आनते होगी ठीक? हाँ जी। अच्छा हुँ. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, मेरी भाभी है। भाभी बताए आप? मन साल भर हो गया जी। साल भर हो गया? हाँ, मदनेड़ी तो। हाँ सुख। साल भर हो गया, तेरा काम कौन बढ़िया गिरता है क्या जी? जमा सही काम मांग रखे था यह घर में, सुख शांति सारी मौज होगी। जमा मौज होगी? हाँ। अच्छा? सही चल रहा काम? सही चल रहा। हाँ सही चल रहा। मैंने साधा हमने देखा इस वर्ग का। अच्छा जी, कहाँ से हैं? नांगलोई से। तो कितनी बार आज की माता के धाम? ये 11वीं फेरी है वैसे मेरी। 11वीं फेरी है? हाँ। तो ईशा के बड़ा संकट है भाई, जो इतना कटे नहीं है तेरा? नहीं, संकट कुछ नहीं था। अच्छा। बस वो पैरों में दर्द था, वो मेरा दूसरी मतलब पहले दिन ही आराम आ गया था वैसे मुझे। अच्छा। तो फिर माता ने कहा था कि फेरी लगानी है, कि माता का आपके पर असर रहता है। अच्छा। तो इसलिए मुझे फेरी बोली हुई है माता ने। यानी पैरों का दर्द तो पहली फेरी में खत्म हो गया जी? ठीक हो गया। हाँ जी। फिर माता ने कहा कि फेरी लगाओ? फेरी लगानी है बिल्कुल, फिर दोबारा नहीं होगा। अच्छा, कंप्लीट इलाज कहने का मतलब कि हाँ, कि माता आने के लिए फेरी बोली हुई है। अच्छा, तो आप पूजा करती हैं माता रानी की? मैं शुरू से बचपन से पूजा। बचपन से जी, महाकाली की? हाँ जी, उन्होंने आते मुझे बता दिया था कि आप तो बचपन से पूजा करते हो मेरी, और मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ। सच बताओ या बात सच्ची बताई थी? बिल्कुल। अच्छा, मेरा बेटा भी आया था साथ में, उसको भी यही बोला था कि आपकी मम्मी के साथ तो मैं शुरू से रहती हूँ। और मेरा बेटा ना रास्ते में मुझसे गाड़ी वाले को लेके लड़ रहा था, वो भी माँ ने बता दी थी कि इसके साथ क्यों लड़ता है पूरे रास्ते भाई। अच्छा, तो हमने तो उनसे कुछ बताया ही नहीं था। अच्छा। तो मेरा बेटा भी चौंक गया कि भाई हमने तो बताया भी नहीं है, और माँ ने हमें ये कह दिया भी तू इससे लड़ा क्यों, रास्ते में पूरे रास्ते लड़ता हुआ आया है। अब अचंभा तो होता ही है ना, देखो कोई एकदम। हाँ बिल्कुल, दिल की बात जान लेती है माँ। अच्छा जी, अब माँ ने यही कहा हुआ कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तेरी साथ आऊँगी, तुझसे बात भी करूँगी, दर्शन भी दूँगी, तो मेरी पूजा कर और फेरी लगा मेरी। अब देखो जी, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको दर्शन होते हैं क्या माता रानी? जोत पे मेरे को माता रानी के दर्शन हुए हैं अभी। अच्छा। 4-5 दिन पहले भी मुझे मेरी मम्मी के रूप में दिखी थी, मेरी मम्मी है नहीं इस टाइम, और मेरे भाई के रूप में बाबा के दर्शन हुए थे। चलो, माता रानी ने कह दिया कि अब आ जाएगी आपके चीज पे। चलो बहुत अच्छा, बहुत है। नाम क्या है आपका? बबली। बबली, ठीक है जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नागलोई से हैं आप? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अब भाई आप कहाँ से हैं? नजफगढ़ से। पहली बार आए हो? नहीं जी, 3-4 बार। अच्छा, कि मैं ऐसे के फादे आना था? हाँ जी। बैठा बैठी भाई, थोड़े से इधर मुँह कर लो थोड़ा। तो आपको क्या तकलीफ थी? कुछ तकलीफ नहीं थी जी, मैं तो वैसे घर गृहस्थी के बारे में आई थी अपने में। अच्छा। तो आराम है जी मेरे। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सारी सुख शांति? हाँ जी, सारी सुख शांति। तो कितनी बार में आने से उधर? मैं आज 5वीं बार आई हूँ जी। 5वीं बार? हाँ जी। तो तकलीफ जो घर में सुख शांति? बिल्कुल। दूसरी बार, तीसरी बार? हाँ जी, पहली बार में दिख गया था सर। अच्छा। हाँ जी, विश्वास हो गया था जिस वजह से लेके आने लग गए थे, नहीं तो इन्होंने विश्वास भी नहीं था। यहाँ बता दिया था कि माता रानी? हाँ जी, सच बता दी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ जो बताते हैं माता रानी बिल्कुल सच बता? हाँ जी बिल्कुल सच, जो भी घर में हमारी तो सारी सच्ची बताई थी। अच्छा। हाँ जी, तो एक बात तो रपी रपी कितने के लिए? नहीं जी, कुछ नहीं लेती मैं। नहीं जी, माँ नहीं लेती कुछ भी। नहीं जी। हाँ जी बिल्कुल, बोल की प्रसाद देवा करते। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाम क्या आपका? सविता जी। सविता। हाँ जी। कहाँ से? नजफगढ़ से। नजफगढ़ बिल्कुल। अब आप बताएं, आपको कितनी साल हो गई? मन 1.5 साल। 1.5 साल? 1.5 साल में क्या प्राप्त किया आपने यहाँ? क्या क्या मिला? मेरा बेटा भी आ गया। अच्छा। बहू आएगी सुतरी। अच्छा। हम सारा परिवार सुख शांति, मेरा परिवार में रोड़ा लगे हैं। बहू से तिगड़ा तो नहीं है तो ना?
बताऊंगी तो 3 घंटे लाग जाऊंगी। इतना तो बढ़िया मेरा छोरों का ब्याह बना, इतने बढ़िया मेरे भाती आए, मने विश्वास से कौन था भाई मेरा भाती भी कोई आवगा। एक भाई मेरा बीमार है, पनियारी गांव की बेटी हूँ मैं, आर्या मेरी माँ बैठी है। हाँ तो मैनू मैं बात नियंत्रण की जान की मेरी कोई आस भी कौन थी, मेरे नहीं कौन था कोई मेरे ब्याह में भी आवगा। तो मैं माँ पर इजाजत लेकर बात नियंत्रण गई 4 दिन पहले, 4 दिन बाद पहली बात नियंत्रण गई तो मैं अपना बात नियंत्रण कर आ गई। मेरे 42 भाती आए, 3 गाड़ी भातियाँ की आई मेरे। तो मैं सोचूँ कौन थी मेरे एक भी को नहीं आओगा। तो 42 भाती आए, मेरे 31,000 थाली में गए, 3100 छोरे के कपड़े के दिए, 2100 छोरे की माला के दिए, और मैं इनका 2000 मंदिरा की मैन दे गया, 200 रुपये भाइयों के दे गया, 500 यानी पूरा सब कुछ ठाट कर गया। ठाट के मन घूम मैं तुम को मेरा मरूम रूम करना आवा, माता रानी जी मेरे पर मेहर करी नहीं, मन 8 साल हो गए पीर मत जाए ठाट कर दी सारी। ठाट कर दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सच्ची कहो है कि ताई है? हाँ सच्ची। अच्छा बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? खरड़ से हैं जी। खरड़ से? हाँ। दो बैठ जा, न्यू के बानी बैठा का दू गोड्या बहादरी बैठा है। बलवान है जी। बलवान के तकलीफ से? गोड्या में बंदेज में गड़बड़ है, दर्द। हाँ कितने दिन थे? अब्बल दिन थे। अब्बल का मतलब? एक बोरी दो बोरी कितने दिन हो गए? 10-12 साल थे। 10-12 साल थे। हाँ अच्छा, फिर उड़ान तक फर्क पड़ा? मेरा रुपया मैं 25-20 का फर्क पड़ रहा। अच्छा, दो उड़ान तो आज तीसरी बार आया है? हाँ तीसरी बार आया। अच्छा, एक दर्द बदर्द में कमी आएगी? हाँ कमी है। सच्ची कहो है? जमा सही कम में कौन बना था पहला, तो गोली भी छूट रही है मरीज, गोली भी नहीं खाता, गोली भी नहीं खाता है। तो माता हो या पैड़ी चांद पर लगा ली गई तुमने? आप कहाँ से? बहन जी नरेला से जी। पहली बार आए हो? नहीं कई बार आ चुके। कई बार? कितनी बार? मैं 5-6 बार आ ली। 5-6 बार आ चुकी। के तकलीफ के समस्या? बस घर की कुछ आनी प्रॉब्लम थी अपनी, ये होगी ठीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक बार आना तो होगी थी? 3-4 बार आए थे। 3-4 बार सारी समस्या खत्म होगी? समस्या तो सारी खत्म हो रही है, वो तो बढ़ती है जा चाहे कितनी बढ़ा लो फिर। वैसे तो वैसे जो समस्या मैं दी सारी खत्म, वो ठीक है। ठीक है। हाँ नाम क्या आपका? सीमा जी। धन्यवाद। आज जी कहाँ से? मैं जी डोकत आई। डोकत है? हाँ डोका कड़ू वाला। हाँ अच्छा, पहली बार आई है? ना जी मैं दो भी ना हो गया। दो भी ना हो गया? हाँ। तो क्या समस्या है तेरे? मेरा जी खूब समस्या थी घर में। समस्या थी? थोड़ी जोर मुकर और दिखा मेरे दर्शकन थोड़ा। खूब समस्या थी? हाँ। क्या समस्या थी बता सके? मेरे घर में खूब नुकसान होया करदा घर। हाँ अच्छा, कदे चक्की मोटर बढ़ गई, कदे भैंस ने दूध कौन दिया, कदे की में कदे की में फटे बारांदा की में। हाँ खूब गुड़ाई माचिया कर दी। पूरे आनते उड़ानते ठीक सो जुम्मा? हाँ। कोई समस्या नहीं घर में? कोई समस्या नहीं मेरा। अच्छा? कोई लड़ाई झगड़ा होना सब शांत हो गया? कति शांत हो गया। अच्छा? हाँ ना मेरा घराला क्या मानना करता है, अपना आप मानने लग गया। अच्छा घराला क्या मानने लग गया? हाँ घराला तो क्या वो बेचारा मान नहीं जा सके घराला हो चाहे वो कड़ा जा न्यारा करते ना जी मारना पड़े उसने साथ रोटी कौन मिले नहीं ना जी इसी बात कौन थी। अच्छा हाँ दारू रुपया करता? हाँ दारू पिया करता जी। छोड़ दी भाभी? भाभी छोड़ दी जी। क्या बात है, दारू भी छोड़ दी, क्या भी मारने लग गया, घर भी सुख शांति जी। मेरा दोता मेरा जमाई था उसने एक भी ना अस्पताल में रखा मेरा दोता। अच्छा वो जी उगो कौन चाल लिया पाई अभी भी उगो लेने तैयार उगो पाई चालने लग गया काम तो पाई चाल पड़ा। हाँ कितनी साल का? वो 5 साल का था। 5 साल का पैदल पाई नहीं चला था? हाँ पाई चाल पाई चालने लग गया। बहुत बढ़िया भाई, कै बार आने तो चल पड़ा था? दो भी ना आया हम ना इन दो महीने मतलब 4-5 बार आई होगी बस। उगो तो ले आकर प्रसाद दे ले जाकर दिया करूँ सुना। अच्छा उड़े प्रसाद दिया था पाई चलने लग गया? हाँ कमाल की बात, भतीजा तेरा? मेरी छोरी का छोरा। हाँ दोता हो गया? दोता हो गया। हाँ आराम तो दाओ है भाई, 5 साल का बच्चा चालदा चालदा नू गोड्डे भी सारे कोणी काने छुल जा कर दी। अच्छा सारे। हाँ भाई माता रानी की बहुत कृपा है। हाँ। बहुत कृपा है ऐसी। हाँ सर मैं तो नुकु मैं माँ तो माँ आयो है भाई, नू क्या करे ने माँ तो माँ आयो और माँ हमेशा देती है, माँ ने चाहे पीट लो फिर भी माँ। हाँ बेटा बेटी बुरे हो सकते हैं, माँ बुरी नहीं हो सकती कभी। हाँ बिल्कुल, माँ का दिल माँ के पास ही है, बहुत महान विशाल दिल होता है माँ का, और ये देने वाली है
और यही देगी, इसी के ऊपर आस्था रखनी चाहिए। माँ की जो दरबार है, माँ चाहे घराली हो चाहे देवी हो, ये देने वाली है। इसने आशीर्वाद दे दिया, कभी निष्फल नहीं जाता, सफल होता है वो, यदि विश्वास है तो आपको। लेकिन एक बात फिर कहूँ, विश्वास ना होना है तो मत जाया करो, क्योंकि आप औरों को भी बदनाम करते हो, उन भक्तों को भी बदनाम करते हो, देवताओं को भी बदनाम करते हो। आज बताता हूँ, मैं शनि धाम पे गया था और दणदा गांव का था, पिछली बार आ रहा था वो सुबह, वो आज 10-11 बजे, मैं सच बक घटना बता रहा हूँ आज की। मैं उसकी आस्था नहीं थी, पूरा दिन वो धक्के खाता रहा, उसका झाड़ा लाने का भी नंबर नहीं आया, और बिल्कुल छिड़कम थी फिर भी नंबर नहीं आया। कदे भगत उठ के चला जा, कदे कि मैं चला जा, सांझ होगी उसने चला गया। आज उसने बताया कि आते ही सबसे पहले मैंने जाके शनिदेव के चरणों में माथा टेकया और पहला नंबर आ गया उसका। हाँ, और झाड़ा लगाने दी बार ना निकलया, नू बोला भाई नू जन दियूं तेल गाल दिया। तो ये समस्या होती है, हमें आस्था नहीं। नू ला भाई सच्ची मानू या बात में, मेरे दिल में कौन थी पिछली बार, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके लाया था उसकी, तो वो सभी मंदिरों के बारे में बोला, बोला भाई किसे मंदिर में जाओ, चाहे आस्था हो तो जाइयो, ना तो ना जाइयो भाई गामाड़े। आज मैं पक्की घर तक करके चला था, माथा रगड़ा, बोला नहीं मैंने माफी मांगी ये लड़ी, और बोले आज मैं ठीक हूँ पहली बार में। तो ये होता है, और नंबर को नहीं आया, बार ने बैठ के 2 मिनट भी नुका दोगे ना, माता रानी कर मेहरबानी, आप बुला लेगी माता, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए सनातन धर्म को कोई बदनाम ना करे, और ये पाखंडी लोग हैं किसी भी धर्म का, कोई भी कुछ भी बोल देता है, ये ध्यान दें। हिंदुस्तान है 120 करोड़ हिंदू, इसके अंदर सनातनी है, लेकिन हमारे हिंदू भाई कुछ गुमराह हो चुके हैं। इसलिए पाखंडियों, जो पाखंड करते हैं, झूठे प्रोपगंडा पैसा लोगों से लूट रहे हैं, किसी भी धर्म का भगवान ले लेते हैं, कोई किसी भी धर्म का होता हो, सिर्फ हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। और भाई वीडियो को इतना शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर वो व्यक्ति के पास पहुंच सके जो दुखी है, व्यथित है, बीमार है, समस्याओं से ग्रसित है, तंग हो लिया है, जमाकति रेल निचाण हो रहा है, और लास्ट में सारा घूम लिया हो, तो एक बार माता रानी के दरबार में जरूर आए। मैं कह रहा हूँ एक बार, जनता कह रही है, ये पूरी जनता बताइए एक बार, माता रानी दरबार सच्चा है झूठा है? ये देखिए, बिल्कुल सच्चे दरबार में जाना चाहिए, और आप आए एक बार दरबार में, फिर मेरे पास बताना, सच्ची श्रद्धा से आना, ट्राई लेना आना। जय हिंद, नमस्कार।